स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर साल 2010 में आई थी। दोस्तों यह एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और रॉटन टोमेटोज में इसकी रेटिंग 100% है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम हेजुंग को देखते हैं जो एक बार डांसर थी और हेजुंग को नशा करने की आदत थी। दूसरी तरफ हम छा को देखते हैं जो अकेला रहता था। उसकी बातचीत सिर्फ एक छोटी लड़की से होती थी जिसका नाम सोमी था, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। सोमी उसे गाने लाकर देती थी और बदले में छा उसे पैसे दिया करता था। वो छा के टेबल पर सॉसेजेस का एक पैकेट देखती है और उसे कहती है कि उसे भी सॉसेजेस खाना बहुत पसंद था। ये सुनकर छा का मन पिघल जाता है और वो सोमी को अपने घर के अंदर बुलाता है। छा सोमी से पूछता है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। सोमी कहती है कि वह एक नेल आर्ट की दुकान खोलेगी। वो छा से पूछती है कि तुम क्या सच्ची में गैंगस्टर हो। सब लोग कहते हैं कि तुमने किसी का मर्डर किया और इसीलिए तुम यहाँ छिपकर रह रहे हो। अगले सीन में हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने बार में आए एक गैंगस्टर को मारकर उसके बैग से कुछ चुराती है। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उस पैकेट में ड्रग्स थे। इसके बाद हम उस गैंगस्टर के गैंग के बाकी आदमियों को देखते हैं जो उन्हीं ड्रग्स को वापस लाने की बात कर रहे थे। हम दोबारा सोमी और छा को टेबल पर देखते हैं। सोमी कहती है कि मेरी माँ तो मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो सोचती है कि तुम मुझे सेक्सुअली मोलेस्ट कर सकते हो। यह सुनकर छा उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुरा आदमी। सोमी कहती है कि उसे लगता है कि वो जल्द ही जेल के अंदर जाने वाला है। तभी वहां सोमी की माँ आ जाती है और छा को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। सोमी टेबल के नीचे छुप जाती है और छा बड़ी ही चालाकी से उसका खाने का बाउल नीचे गिरा देता है ताकि उसकी माँ हेजुंग को लगे कि छा सच कह रहा है कि उसकी बेटी यहाँ नहीं थी। दोस्तों सोमी की माँ हेजुंग थी। हेजुंग छा से कहती है कि वो सोमी से ना मिला करे, अगर वो अकेला है तो वो उससे प्यार करने के लिए भी तैयार है। हेजुंग दरअसल उसके पास एक कैमरा गिरवी रखवाने के लिए आई थी। उसके जाने के बाद सोमी छा को फूलों का एक गुलदस्ता देती है लेकिन छा उसे गुस्से में फेंक देता है। दोस्तों छा एक बहुत ही शांत लड़का था, वो किसी से भी बात नहीं करता था सिवाय सोमी के। अगले सीन में हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जिनसे हेजुंग ने वो ड्रग्स चुराए थे। उस गैंगस्टर का नाम ओमाइंग था। वो अपने भाइयों से कहता है कि जिसने भी हमसे माल चुराया उसे खत्म कर दो, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है क्योंकि इसके बाद हमें क्लाइंट को वही ड्रग्स देने हैं। अगले सीन में हम हेजुंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि यह चोरी हेजुंग ने उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर की थी और वो हेजुंग को मार रहा था क्योंकि हेजुंग ने वो ड्रग्स छिपा दिए थे। हेजुंग कहती है कि माल आधा आधा बांटो, मैं तुम्हें अभी ड्रग्स दे दूंगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और यहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेजुंग दोबारा ड्रग्स लेती है। वो हमेशा ड्रग्स लेकर नशे में ही रहती थी, उसे अपनी बेटी सोमी की कोई फिक्र नहीं थी, वो हमेशा अपने और अपने दोस्तों में ही बिजी रहती थी। अगले सीन में हम सोमी को अकेला देखते हैं। एक दिन वह छा के घर आकर पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर उसके साथ रह सकती है। छा हाँ कर देता है। सोमी उसे बताती है कि पता है मेरा निकनेम क्या है। वह आगे बताती है कि उसका निकनेम गार्बेज कैन है, मतलब कचरे का डब्बा। वो आगे कहती है कि जब मेरी माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब उन्होंने गुस्से में कचरे के डब्बे को लात मार दी थी, तभी से मेरा नाम गार्बेज कैन पड़ गया। ये कहकर सोमी दुखी हो जाती है। फिर छा उसे सुला देता है। वो कहते हैं ना, दो दर्द भरे लोग एक दूसरे के दर्द को कम करते हैं, वही हमें यहाँ देखने को मिलता है। सुबह जब छा की आँख खुलती है वो देखता है कि सोमी ने उसके नेल्स पर नेल आर्ट कर दिया था, लेकिन इससे छा गुस्सा नहीं होता बल्कि हम फिल्म में पहली बार छा को मुस्कुराते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम छा को एक लड़की की तस्वीर देखते हुए देखते हैं। उस तस्वीर के पास 2 छोटे जूते भी थे मगर ये जूते किसी बच्चे के थे। फिर हम देखते हैं कि सोमी छा से कहती है कि क्या तुम्हें भी मेरे साथ रहने में शर्म आती है, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी माँ ने तो मुझे ये तक कहा है कि अगर मैं कभी गुम हो गई तो मुझे लोगों के सामने ऐसा नाटक करना है जैसे मुझे हमारे घर का नंबर एड्रेस कुछ नहीं पता। कभी कभी तो वो कहती हैं कि वो मुझे मार डालेगी। मैं तुमसे गुस्सा थी मगर अब नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। सीन कट होता है और हम गैंगस्टर ओमाइन के आदमियों को बात करते हुए देखते हैं। उन्हें हेजुंग के बारे में पता चल चुका था कि उसी ने चोरी की थी। वो लोग हेजुंग को खूब मारते हैं और उसे बांध कर रखते हैं। तभी वहाँ सोमी आ जाती है। वो देखती है कि एक आदमी उसकी माँ का पैर एक हेयर ड्रायर से जला रहा था।
पीछे से एक आदमी आता है और सोमी के मुंह पर हाथ रखता है। सीन कट होता है और हम कुछ गैंगस्टर्स को छा के दुकान पर देखते हैं। वो लोग उससे कैमरा मांग रहे थे जिसे हिजुंग ने गिरवी रखा था। छा कहता है मुझे पैसे दो और बैग ले जाओ। उसकी बात ओमाई गैंगस्टर के भाई जिंग से उससे होती है। वह कहता है कि सोमी और उसकी माँ उसके कब्जे में है, अगर उसने जल्दी नहीं की तो ये दोनों मारे जाएंगे। छा उन्हें कैमरा बैग दे देता है और उन्हें वो ड्रग्स मिल जाते हैं जिसे हिजुंग ने छिपाया था। छा उनमें से एक गुंडे को मार डालता है मगर सोमी के खातिर वो उन्हें वहां से जाने देता है। उन्हीं का एक आदमी छा को अपना फ़ोन देकर जाता है। छा उनकी गाड़ी का पीछा करता है मगर वो लोग उसके हाथ नहीं आते। छा पुलिस को खबर करने की कोशिश करता है मगर पुलिस उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। अगली सुबह छा को उसी फ़ोन पर एक कॉल आता है। दरअसल इन गैंगस्टर्स के लोगों ने उसे एक ड्रग्स का पैकेट डिलीवर करने के लिए कहा था क्योंकि वो लोग जानते थे कि सोमी के लिए छा के दिल में प्यार है। वह ओमाइंग से मिलता है और उसे हिजुंग और सोमी को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ओमाइंग एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उसे भागता देख छा भी वहाँ खड़ी एक गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है लेकिन पुलिस आकर छा को पकड़ लेती है और हमें उस गाड़ी की डिक्की में हिजुंग की कटी हुई लाश बिना कपड़ों के मिलती है। उसे ऐसी हालत में देख छा के मन में सोमी के लिए डर बैठ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ओमाइंग के आदमियों ने उस बच्चे के साथ क्या किया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि हिजुंग के सारे ऑर्गन्स को ओमाइंग ने बेच दिया था। पुलिस वाला उसे आगे बताता है कि उसके ऑर्गन्स को तब निकाला गया जब वो जिंदा थी, उसकी आंख तक को भी नहीं छोड़ा था। ये सुनकर छा पुलिस स्टेशन से फरार हो जाता है। पुलिस छा के बैकग्राउंड का पता करती है और उन्हें पता चलता है कि छा साउथ कोरियन आर्मी के लिए काम करता था लेकिन उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के मरने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। लोगों का कहना था कि उसी के किसी दुश्मन ने उसकी पत्नी का मर्डर किया था। अगले सीन में हम सोमी को देखते हैं जिसे कई और बच्चों के साथ एक जगह पर कैद करके रखा गया था। उस गैंगस्टर के फोन की मदद से छा अपने एक दोस्त के साथ डूची को मारने पहुंचता है। वह डूची पर हमला कर देता है मगर उसे पीछे से रामरोवन गोली मार देता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है मगर छा वहां से भाग निकलता है। उसका एक दोस्त उस पर इमरजेंसी ऑपरेशन कर गोली निकाल देता है। उसका दोस्त उसे एक गन का इंतजाम कर देता है और हम देखते हैं कि छा शहर की तरफ निकल जाता है। वह ओमाइंग को फोन लगाता है और उसे पूछता है कि तुमने सोमी की माँ को क्यों मारा। इस पर ओमाइंग कहता है कि वैसे भी वो जीकर क्या करती, अब देखो उसकी वजह से तीन लोगों को जिंदगियां मिली, उसकी बेटी की बस आंखें ही थी जो मेरे काम आई। वह फोन रख देता है और उन दोनों को याद करता है जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। एक दिन वह जब एक दुकान से बाहर निकला उसे एक आदमी ने गोली मार दी और उसकी प्रेग्नेंट बीवी जो उनकी गाड़ी में बैठी थी उस पर एक ट्रक चढ़ा दी। छा तो बच गया मगर उस दिन उसने उसका पूरा परिवार खो दिया। उसकी पत्नी मारी गई और उसका बच्चा जो इस दुनिया को अपनी आंखों से देख भी न सका आज उससे हमेशा के लिए दूर हो गए। वे कुछ समय पहले के पल को याद करता है जब उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया था। वो कहते हैं ना, एक ही पल काफी होता है किसी को जिंदगी भर की तकलीफ देने के लिए। ऐसा ही छा के साथ हुआ। अगले सीन में हम सोमी को देखते हैं जो रामरोवन और कई बच्चों के साथ खाना खा रही थी। सोमी के पास एक बैंडेड था। रामरोवन के सर पर चोट देखकर वह उसके चोट पर बैंडेड लगा देती है। फिर हम छा और एक पुलिस वाले को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो छा को बताता है कि सोमी जिंदा है। अगले एपिसोड में छा गैंगस्टर के खास आदमी जोंगसुक का पीछा करता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां ड्रग्स बनते थे और ड्रग्स को पैक करने के लिए वो लोग बच्चों का यूज करते थे। छा जिंगसुक के सारे आदमियों को मारकर जिंगसुक को अपने कब्जे में ले लेता है और उसके फोन से उसके बड़े भाई मैनसुक को सोमी को वहां लाने के लिए कहता है। मैनसुक इतना गुस्से में आ जाता है कि वह अपने एक आदमी को सोमी की आंखें निकाल लाने के लिए कहता है। वह जिंगसुक को एक कमरे में बंद कर देता है और पूरे कमरे में गैस सिलेंडर से गैस लीक कर देता है और हम देखते हैं कि उनकी पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका होता है। इस तरह छा ने जिंगसुक को मार डाला था। वह सारे बच्चों को वहां से बचाकर उनके घर भेज देता है लेकिन दोस्तों सोमी यहां नहीं थी तो फिर वो थी कहाँ। अगले सीन में हम रामारोव को सोमी को ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हुए देखते हैं। डॉक्टर उससे कहता है कि मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हारी माँ का दिल निकाला था, बहुत तड़प तड़प कर मरी बेचारी। ये सुनकर सोमी अपनी माँ की याद में रोने लग जाती है। तभी डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी आंखें निकाल लेते हैं। फिर हम छा को मैनसुक के अड्डे पर देखते हैं। मैनसुक उससे एक बोतल दिखाता है और कहता है कि ये रही तुम्हारी पड़ोसी सोमी की आंखें, वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते स्वर्ग गई
लेकिन वह अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास आँख ही नहीं है। उन आँखों को देख छात दुख से भर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो गुस्से में मनसुख, रामरोवन और उसके गैंग के सारे लोगों को मार डालता है। अब छा अपने गन को अपने सर पर लगाता है क्योंकि वो सुसाइड करने की सोचता है। तभी सोमी उसके सामने आ जाती है। सोमी छा से पूछती है, क्या आप मुझे बचाने आए? यह कहकर वो छा को गले से लगा लेती है। दरअसल सोमी को रामरोवन ने बचा लिया था क्योंकि सोमी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी और उस डब्बे में जो आंखें थी वो उस डॉक्टर की थी जिसे रामरोवन ने मार डाला था। इस फिल्म के आखिरी सीन में पुलिस छा को अरेस्ट कर लेती है और छा सोमी को एक आखिरी बार गले लगाकर कहता है कि सोमी को अपना ध्यान खुद ही रखना होगा क्योंकि पुलिस उसे लेकर जाने वाली थी। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।